नेताजी बनने के सपने देख रहा था राम रहीम। बड़े पर्दे पर सुभाष चंद्र बोस बनकर आने वाला था राम रहीम। लेकिन लगता है राम रहीम का ये सपना अब सपना ही बनकर रह जाएगा। अरे भाई, हम एकदम सही कह रहे हैं। सीबीआई कोर्ट में रेप के मामले में दोषी करार राम रहीम सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा था। वो इस फिल्म के जरिए बंगाली सिनेमा इंडस्ट्री में पैर जमाना चाहता था। इससे पहले उसने एमएसजी के जरिए बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री ली थी। बताया जा रहा है कि सितंबर से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर काम शुरू करने वाला था। इतना ही नहीं, राम रहीम पहले की फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी वो खुद ही एक्टिंग करता और डायरेक्शन भी। खबरों की माने तो राम रहीम अपनी इस फिल्म को साल के अंत रिलीज करने की योजना भी बना बैठा था। हालांकि अब कोर्ट के फैसले के बाद सो कॉल्ड बाबा का ये प्रोजेक्ट धरा का धरा ही रह गया। बता दें कि दो साथियों से रेप के 15 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई है। और तो और, उसके ऊपर जिस तरह के आपराधिक मामले चल रहे हैं, उसे देखते हुए जेल से बाहर आना मुश्किल है। यानी अब राम रहीम का सुभाष चंद्र बोस बनने का सपना सपना ही रह गया। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।